Hi everyone, today we are making one pot recipe which is hummus rice. So ये भी हम फिर से एक ही पॉट में बनाने वाले हैं एंड इसका मेन अट्रैक्शन और मेन इंग्रेडिएंट है हमस. So let's see the ingredients we require to make hummus rice. सबसे पहले हमें सारे मसालों की ज़रूरत है. अच्छा, हम बहुत चटपटा राइस बनाने वाले हैं ये, तो इसमें हम गार्लिक, जिंजर और सारे मसाले ऐड करेंगे. फिर हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करके उसे कलरफुल भी बनाएंगे प्लस टेस्टी भी बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे, उसमें मैं जीरा, राई और हींग पाउडर ऐड करूंगी. क्योंकि हम ये एक ही पैन में बनाएंगे सो हम इसी में सबसे पहले वेजिटेबल्स को सौते करेंगे और फिर हम इसमें राइस कुक करेंगे. नेक्स्ट मैंने चॉप करके ग्रीन चिली, गार्लिक और जिंजर रखा है, वो मैं ऐड करूँगी. इसे आप थोड़ा सा कुक करें फॉर 1 मिनट एंड देन यू कैन ऐड वेजिटेबल्स. अब हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमें 2-3 मिनट्स के लिए कुक करके क्रिस्पी करना है, तभी हम बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसमें. आप इन सब्जियों के अलावा कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं. आप मटर डाल सकते हैं, फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकते हैं, गोभी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न ऐड कर सकते हैं. जो भी आपको सब्जियां पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. इसको हम 2-3 मिनट्स कुक करने के लिए रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए. आप देख सकते हो ये सॉफ्ट हो गई है और कुक भी हो गई है. अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी. राइस, कच्चे राइस यूज़ किए मैंने सोक करे हुए. और फिर पानी ऐड करेंगे. पानी की कंसिस्टेंसी आप प्लीज़ देख के ऐड करिए. हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड राइस नहीं चाहिए सो ऐड अकॉर्डिंगली. देन इसमें बॉयल्ड छोले ऐड करेंगे एंड इसी स्टेज पे हम सारे मसाले ऐड कर देंगे. मैंने सॉल्ट डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर. इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं. गरम मसाला और फिर थोड़ा फ्लेवर के लिए हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे. आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं लास्ट में. मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए कुक करेंगे. 10 मिनट बाद आप देखेंगे राइस प्रॉपरली कुक हो गया है, लेकिन हमें इसके अंदर का जो मॉइस्चर और स्टीम है वो पूरा निकालना है ताकि ये ड्राई हो जाए. तो हम इसे बिना ढके 4-5 मिनट्स कुक करेंगे. आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये ड्राई हो गया है राइस एंड राइस कुक भी हो गया अच्छे से. इस स्टेज पे हम इसमें हमस ऐड करेंगे. हमस की रेसिपी मैं ऊपर लिंक में डाल दूंगी, आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं. ये हमने बेसिक हमस बनाया है बिना किसी फ्लेवर के. हमस डालने के बाद एक बार हम हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है हमें, और हम इसे सर्व कर देंगे. सर्व करने के लिए आप इसके ऊपर चॉप्ड कोरिएंडर डाल सकते हैं एंड चिली डाल सकते हैं. Thank you for watching my videos and please do not forget to subscribe and like the videos.